हमारा उद्देश्य किसी कंपनी या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो इस चैनल की सदस्यता आप छोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो पर हम न्यू आयरन वेज फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले एक दो दिन से किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि आप NPK 0-42-47 जो आयरन वेस्ट फर्टिलाइजर्स आती है, घुलनशील खाद, उसके बारे में डिटेल से बताइए। इस वीडियो में हम आपको NPK 0-42-47 फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी क्रॉप पर आप इस फर्टिलाइजर्स को दे सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं और कितनी मात्रा पर आप अपनी फसलों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो में। जो हम एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, न्यू खाद के बारे में बात करने वाले हैं, जो आयरन वेस फर्टिलाइजर्स है, यानी पोटेशियम फॉस्फेट प्लस माइक्रो न्यूट्रियन आयरन युक्त यह खाद है और यह वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स है। NPK 0-42-47 पर जो कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन की मात्रा है इसमें 0%, फॉस्फोरस की मात्रा है इसमें 42% और पोटेशियम की मात्रा है इसमें 47%, और साथ ही इसमें एक और माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है आयरन, 2.8% है। और pH लेवल के उतार चढ़ाव को भी यह नियंत्रित करता है। और आप टमाटर की फसल पर ककड़ी, स्ट्रॉबेरी, शिमला, प्याज, सोयाबीन, कपास, अनार, अंगूर, पपीता जैसी क्रॉप पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पोषक तत्वों की आवश्यकता तो समझते ही हैं, लेकिन जो लोहा है यानी आयरन है इसके बारे में हम बात करते हैं। लोहा क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है और पौधों में संपन्न होने वाले ऑक्सीकरण एवं अवशोषण की क्रिया को यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और साथ ही कमी के लक्षण के बारे में बात करते हैं तो पौधों में आयरन की कमी से नई पत्तियों में हरित लवक की कमी पाई जाती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं तथा पत्तियों के शिराओं के मध्य पीलापन आ जाता है। इसका डोज कितना है, तो आपको एक एकड़ पर ड्रिप एरिगेशन पर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ड्रिप एरिगेशन से प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा खड़ी फसलों पर आप 3-4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए आप जब आपकी फसल रूटिंग स्टेज पर हो, उस स्टेज पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप 500 से 800 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में, तो जड़ तनों को मजबूत करे, साथ ही जड़ों का विकास करता है और साथ ही वृद्धि करता है, ठंडी गर्मी में पौधे की गुणवत्ता बनाए रखता है और आयरन की भी डिफिशेंसी कमी को दूर करता है, साथ ही फल और फूलों की संख्या को बढ़ाता है और फ्रूटिंग स्टेज पर फलों को वजनदार और चमकदार यह बनाता है, क्लोरोफिल को बढ़ाने में सहायक है और pH लेवल को भी यह मेंटेन करता है, साथ ही उपज को भी बढ़ाने में और नई टहनियों का निर्माण करने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक है। जब मार्केट में पोटेशियम फॉस्फेट यानी 0-52-34 उपलब्ध है, तो क्या हमको NPK 0-42-47 का इस्तेमाल करना चाहिए? तो हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि 0-52-34 में पोटास और फास्फोरस है, लेकिन जो 0-42-47 में 42% फास्फोरस है और 47% पोटास है, लेकिन साथ ही इसमें आयरन है, तो जो काफ़ी अच्छी फर्टिलाइजर्स है। यही कॉम्बिनेशन आपको प्रियान हॉर्टी प्रे का NPK माइक्रो न्यूट्रियन NPK 0-42-47 पर आपको यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।